ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे करंट, जलधारा, जलधारा महासागरीय जलधारा, ओशनिक करंट, ठीक है। ओशनिक करंट किसे कहते हैं? द मूवमेंट ऑफ द सरफेस वाटर ऑफ ओशंस फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर इज दे आर करंट्स, ठीक है। जलधारा क्या है? महासागर के ऊपरी सतही जल का जो गति एक जगह से एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर, इसे ही हम क्या कहते हैं? जलधारा। फिर मैंने आपको स्ट्रीम भी बताया था, स्ट्रीम जिसे विशाल जलधारा कहते हैं, स्ट्रीम ना, करंट, स्ट्रीम, ड्रिफ्ट, ये तीन शब्द होते हैं यहाँ पर। एक करंट होता है, एक स्ट्रीम होता है, करंट को अपन जलधारा बोलते हैं, स्ट्रीम को अपन विशाल जलधारा बोलते हैं, और ड्रिफ्ट को बोलते हैं अपन प्रवाह, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रवाह। इन दोनों में अंतर क्या है? महासागर के ऊपर जो जल है ना एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर जाती है उसे हम करंट कहते हैं सामान्य तौर पर, लेकिन अगर यही जलधारा, जल का प्रवाह बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना, और ये कब होता है? जब दो करंट आपस में आकर कहीं से मिलते हैं तो ये बड़ा हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं अपन? स्ट्रीम या विशाल जलधारा कहते हैं। और ड्रिफ्ट यानी कि प्रवाह किसे कहते हैं? जब कोई करंट फ्लो हो रही है और वो दो भागों में बट जाती है, वो दो भागों में बट जाती है, व्हेन अ करंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो उसको क्या बोलते हैं? वो एक ड्रिफ्ट हो गई, दो ड्रिफ्ट हो गई, उसको ड्रिफ्ट का कुछ और नाम होगा, इस ड्रिफ्ट का कुछ और नाम होगा, उसे क्या कहते हैं? प्रवाह। ये बात क्लियर है? फिर हम लोगों ने देखा था कि करंट, जलधारा दो होती है, दो प्रकार की होती है, एक वार्म करंट, एक वार्म ओशनिक करंट जिसे हम गर्म सागरी जलधारा कहेंगे, और एक होती है ठंडी जलधारा जिसे हम कहते हैं कोल्ड करंट, है ना। ये दो देख लिया था। फिर हम लोगों को क्या देखना था कि भाई अटलांटिक ओशन में कौन कौन सी धारा है, पैसिफिक ओशन में कौन सी धारा है, इंडियन ओशन में कौन सी करंट फ्लो होती है, और उससे क्या क्या असर होता है, ठीक। फिर हम लोगों ने वो तो देख लेंगे अभी, लेकिन कल हम लोगों ने एक और चीज़ देखा था कि ये जल धारा और या ये करंट पैदा कैसे होती है, तो इसके सबसे बड़ा कारण क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना, पृथ्वी का घूर्णन जो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर होता है, पश्चिम जो पृथ्वी है वो घूम रही है, रोटेट कर रही है वेस्ट से ईस्ट, तो जो सागर की जलधारा है वो किस दिशा में रोटेट करेंगी, किस दिशा में गति करेंगी? उल्टा, वो वेस्ट से, वो ईस्ट से वेस्ट की ओर, है ना, ठीक। अच्छा, फिर गर्म जलधारा हमेशा कहाँ पैदा होगी, वार्म करंट कहाँ पैदा होगा? इक्वेटर के पास, इक्वेटर की दोनों तरफ आपका गर्म जलधारा पैदा होगी, वार्म करंट पैदा होगा। और दूसरी जो ठंडी जलधारा वो कहाँ पैदा होगी? पोल्स पर, पोलार करंट, है ना, पोल्स पर, एक नॉर्थ पोल पे पैदा होगी, एक साउथ पोल पे पैदा होगी, ठीक। चलो, इसके बाद हम लोग सबसे पहले अटलांटिक ओशन में गए थे, तो 0 डिग्री इक्वेटर के पास आपकी इस तरह से करंट पैदा होती है, ठीक है, ये करंट पैदा हुई, करंट पैदा हुई तो इधर भी एक करंट पैदा होगी, इस साइड भी करंट पैदा हो रही, ठीक, एक ही करंट है वो, अब इक्वेटर के अब उसको दो भाग में अपन बांट देते हैं। इस करंट को अपन लोग क्या बोले थे? ये एक तो इक्वेटोरियल करंट है, भूमध्य रेखीय जलधारा है, क्या है? भूमध्य रेखीय जलधारा या विषुवत जलधारा बोल सकते हो आप। अब और इंग्लिश में एक ही शब्द है हमारे पास बताने के लिए, इक्वेटोरियल करंट, तो इसको अपन कैसे कह देते हैं? इक्वेटोरियल करंट, ये भी इक्वेटोरियल करंट है, लेकिन ये कहाँ पैदा हो रही, ये करंट किस करंट की बात कर रहे हैं हम? अटलांटिक ओशन, अंध महासागर में जो जलधारा पैदा हो रही उसको बोल रहे हैं, तो नाम भी नामकरण कर देते हैं इसका, तो ये क्या हो गया आपका? नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट हो गया। इधर वाला क्या हो गया? साउथ, अरे अटलांटिक, अलग ये है, साउथ अटलांटिक ओशन करंट। अब अच्छा होगा हिंदी माध्यम भी इसको अंग्रेजी में ही करें, ठीक है, ये करंट हो गया। अब हम ये जानते हैं कि ये जलधारा जो महासागर में पैदा होती है ये किधर से? ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएगी, गति किधर करेगी? ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएगी, तो भाई दो कॉन्टिनेंट के बीच महासागर में जो जलधारा पैदा होती है एक तरफ से, एक कॉन्टिनेंट की तरफ से पैदा होगी और दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ जाके टकराएगी, है ना। तो ये कॉन्टिनेंट का आपका, ये हम लोगों ने क्या देखा था, ये कौन सा पार्ट हो गया? ये वाला ईस्टर्न पार्ट, पूर्वी भाग, ये वाला कौन सा पार्ट? वेस्टर्न पार्ट। ये अफ्रीका हो गया मान लो, तो अफ्रीका का ये वाला ईस्टर्न पार्ट और ये वाला हो गया वेस्टर्न पार्ट। तो ये जो
अटलांटिक इक्वेटोरियल अटलांटिक करंट है वो अफ्रीका के कौन सी दिशा में पैदा हो रही? वेस्ट साइड से पैदा हो रही है, वेस्ट कोस्ट से पैदा हो रही, अफ्रीका के वेस्ट से पैदा हो रही, कहाँ जाकर टकरा रही है? ईस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में टकरा रही है। अच्छा, अब टकराएगी तो जाहिर सी बात है ये जलधारा अपना रास्ता बदलेगी, अपना रास्ता बदलेगी। इस तरह से ये जलधारा जो है इधर की ओर जाती, कुछ जलधारा यहाँ, ये क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ घुस जाती है ना, एक करंट जा रही है उसको जगह मिला तो एक यहाँ चली गई। और एक कुछ जलधारा क्या होता है, ये ऐसा 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 इस कॉन्टिनेंट के ऐसा चलने लगती है, ठीक। तो यही नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट आगे चलकर ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं हम इसे। ये जो आपको दिख रहा है ना इस सी आकार का, ये क्या है? मैक्सिको, यहाँ मैक्सिको है, ये देश कौन सा है? मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका का मैक्सिको है, ये याद होगा डेजर्ट डेजर्ट में आया होगा मैक्सिको, तो ये मैक्सिको है। और ये क्या है? मैक्सिको की खाड़ी, ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, ठीक है। अच्छा, अब ये दो भागों में बट गई, एक इधर चला गया एक इधर चला गया, क्योंकि ये फ्लोरिडा है, ये जो दिख रहा है ये है फ्लोरिडा, नॉर्थ अमेरिका का कौन सा स्टेट है? ये फ्लोरिडा, और ये है मैक्सिको। तो यहां से इस करंट का नाम क्या हो जाता है? फ्लोरिडा करंट, यहां इसका नाम क्या हो जाता है? फ्लोरिडा करंट। और ये जो इधर से ही निकल जा रही है बिना अंदर घुसे इधर से निकल जा रही है, इसका क्या नाम है? एंटिलीज, एंटिलीज, ठीक है, ये हो गया एंटिलीज। अच्छा, उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि जब पानी यहां से इधर की ओर चलना शुरू होगा तो यहां का पानी कम हो जाएगा, है ना। पैदा क्यों हो रहा है आप जानते हो, ओशन करंट में टेम्परेचर का भी प्रभाव होता है, उसके ओरिजिन में तापमान का भी प्रभाव होता है। हम जानते हैं कि सूर्य की जो रोशनी होती है पूरे साल भर वो मकर से कर्क रेखा के बीच अपनी स्थिति बदल बदल कर लंबवत होती है, इट फॉल्स वर्टिकल बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न चेंजिंग इट्स पोजिशन थ्रू आउट द ईयर, है ना। तो भाई टेम्परेचर का भी असर है इसके पैदा होने में, और किसका असर है? टेम्परेचर का भी असर है इसके पैदा होने में, और किस चीज़ का असर है? सैलिनिटी, भाई सैलिनिटी, महासागर की लवणता भी इसका एक कारण है। आप ये अलग सागर है तो इस सागर की सैलिनिटी अलग होगी, इस सागर की सैलिनिटी अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। सैलिनिटी होता क्या है कि वो जो भी महासागर में जो भी आपके मिनरल्स का कंटेंट है वो कितना डिजॉल्व हो जाते हैं, वही तो है सैलिनिटी। लवणता क्या है? जो भी खनिज और ये वो महासागर की जल में किस तरह डिजॉल्व हो जाते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं? लवण। जिसमें ज़्यादा डिजॉल्व हो जाता है वो ज़्यादा घना हो जाता है, पानी ज़्यादा डेंसर हो जाता है तो उसकी सैलिनिटी ज़्यादा है, जिसमें घुलनशील कम है, जो कम घुलते हैं उसकी सैलिनिटी कम है, उसकी लवणता कम है, ठीक। ये एंटिलीज हो गया। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इस तरफ से भी कुछ ठंडी जलधारा पैदा होगी, आप कोशिश करेगी कि जहाँ पानी कम हुआ है वहाँ भरपाई करे, इधर से भी पैदा होगी। तो यहाँ से एक ठंडी जलधारा पैदा होती है, इसका नाम क्या था? लैब्राडोर। इसका क्या नाम है? लैब्राडोर। अलास्का, मतलब ये नॉर्थ पोल वाला एरिया ना, अलास्का रीजन से एक जलधारा पैदा होती है जिसका नाम क्या है? लैब्राडोर। ये लैब्राडोर और ये गल्फ स्ट्रीम ये आकर एक जगह मिल जाते हैं। ये ऐसे ऐसे निकलेगी, उसके बाद मैंने बताया था कि ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक इधर निकल जाता है और एक इधर, है ना। ये ऊपर वाला क्या था? नॉर्वेन ड्रिफ्ट। मैंने बोला ना करंट दो भागों में बढ़ जाए तो वो अब क्या हो जाएगी? प्रवाह हो जाएगी, उसे क्या कहेंगे अपन? ड्रिफ्ट। तो ये नॉर्वे है ना, ये नॉर्वे है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? नॉर्वेन ड्रिफ्ट। और ये वाला नॉर्दर्न ड्रिफ्ट, ये वाला नॉर्दर्न ड्रिफ्ट, एनडी शॉर्ट में लिख दिया। ये दोनों, ये भी हम लोगों ने देखा था कि ठंडी जलधारा गर्म जलधारा कहीं पर अगर मिलती है
तो वहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी। क्या होगा? सबसे पहला चीज़ होगा कि ठंडा जलधारा गर्म जलधारा मिलेगा तो वहाँ पर एकदम वो पानी का टेम्परेचर एकदम अप्रोप्रिएट हो जाएगा, एकदम बढ़िया टेम्परेचर हो जाएगा, सुहाना सुहाना पानी हो जाएगा, नहाने में मज़ा आएगा, मछलियों को भी बहुत मज़ा आता है। सारी मछलियाँ इधर उधर से वहीं इकट्ठी हो जाती हैं, एकदम लबालब मछली 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 के ऊपर मछली दिखेगी, देखना कभी कभी वीडियो है ना, एकदम मछली मछली दिखाई देगी, एक के ऊपर चढ़े हुए एकदम कूदते इधर उधर, हाथ ऐसा करो मछली 10-12 मछली आ जाएगी हाथ में, ऐसी स्थिति बन जाती है वहाँ। इसके दो कारण हैं, एक तो वहाँ का जो पानी का टेम्परेचर होता है एक एकदम अप्रोप्रिएट सूटेबल हो जाता है, मछलियाँ पसंद करती हैं तो सब इधर उधर से खोज में इधर ही आ जाती, ये इधर आ गए तो इसकी खोज में मछली पकड़ने वाले भी पहुँचेंगे ना, वो भी पहुँचेंगे, मछली कहाँ ज़्यादा मिलती है वहीं पहुँचेंगे। अच्छा, मछली यहाँ ज़्यादा सिर्फ वो टेम्परेचर ही कारण नहीं है, इनके यहाँ पर इकट्ठे होने का एक और कारण है कि ये जो ठंडी जलधारा होती है ये अपने साथ फाइटोप्लैंकटन लेके आती है। क्या लेके आती? फाइटोप्लैंकटन, समुद्री शैवाल बोलते हैं क्या उसको? प्लैंकटन को क्या बोलते हैं? हाँ हाँ वही 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 शैवाल ही बोलते हैं ना उसको। अच्छा हाँ, एल्गे नहीं है वो, फाइटोप्लैंकटन, बस फाइटोप्लैंकटन याद रखो। मछलियों का खाना तो वह एकदम पर्याप्त खाना मिल रहा है, फाइटोप्लैंकटन मिल रहा है, खाना मिल रहा है उनको, ठीक। एक और चीज़ होता है, जहाँ भी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ पर फॉग बनता है, डेंस फॉग। क्या बोलते हैं फॉग को हिंदी में? है कोहरा, कोहरा बन जाता है, कोहरा बनेगा, कोहरा बन जाता है, बहुत सारे जहाज मछुआरे जहाज आएंगे, मछुआरे जहाज लेकर आएंगे मछली पकड़ने के लिए, व्यापार करने के लिए, और इसी बीच में क्या हो जाएगा, जहाज टकराएंगे तो बहुत एक्सीडेंट भी होता है, कोहरे में दिखता ही नहीं, इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है इधर से आ रहा है। टाइटैनिक याद है? टाइटैनिक कहीं इंग्लैंड से यहाँ से कहीं निकला था, इधर जा रहा था, और जानते हो उसका वो कहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था? यहीं हुआ था। क्यों हुआ था? लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की वजह से। ये दोनों मिल जाए, ये दोनों जहाँ पर मिल जाते हैं तो ये कौन सा क्या नाम हो जाता है इसका? गल्फ स्ट्रीम, विशाल जलधारा बन गई ना ये, और इधर से लेब्राडोर आती है, यहाँ हो गया कोहरा। अच्छा, ये लेब्राडोर जो ऊपर से आई है ये अपने बहाव के साथ आइस शील्ड भी लेके आती है, बर्फ के बड़े बड़े चट्टान लेकर आती है ना। आप लोगों, अच्छा एक बात बताओ, बर्फ पानी में डूबा रहता है उसका कितना भाग पानी के ऊपर आपको दिखाई देता है? हैं? 10% 1/10 भाग 1/10 भाग 9/10 भाग पानी के अंदर डूबा रहता है ना। तो वो जो ये लोग क्या किए कि गल्फ स्ट्रीम है यहाँ पहुँच गए थे, और भाई ये तो अपने फ्लो में जा रहा है ना, तो जहाज को बड़ा आसानी है, वो अपने आप इस फ्लो में बहता चला जाएगा, अपने आप मतलब आपका फ्यूल बचेगा वो, क्योंकि ये बहाव आपको ले जाएगा। ये लोग बढ़िया रात में यहाँ से निकल रहे थे, उधर से लेब्राडोर आ रही थी, यहाँ पे कोहरा छाया हुआ था और आइस शील्ड लेब्राडोर लेके आया था है ना। अचानक दिखा, छोटा सा दिखा इनको, लेकिन ये थोड़ा गणित भूल गए कि साला जितना ऊपर दिख रहा है उसका नौ भाग उससे बड़ा नौवा भाग पानी के अंदर है, और वही आके टकरा जाता और ये निपट गए, ठीक। हाँ, मिलती है तो गल्फ स्ट्रीम बनती है। हाँ। तो वही तो, ये दोनों आकर यहाँ से निकली और यहाँ आके फिर ये दोनों मिल गए, फिर ये बन गया गल्फ स्ट्रीम, ठीक। ये जो दिख रहा है ना, ये एरिया, ये वाला, अरे यार लिख दिया हूँ यहाँ पर, ये दिख रहा है ना, ये है न्यूफाउंडलैंड। ये क्या है? न्यूफाउंडलैंड, समझ गए ना, न्यूफाउंडलैंड। अरे साला क्या लिखा रे मैं, ऊपर नीचे फाउंड न्यू लैंड हो गया, ये न्यू फाउंड लैंड NFD। तो न्यू फाउंड लैंड इसीलिए लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम वहां आकर मिलती हैं, उसके कोस्ट पर मिलती हैं, इसीलिए न्यू फाउंड लैंड जो आइलैंड कंट्री है ये दुनिया में जाना जाता है सबसे ज्यादा फिश एक्सपोर्ट के लिए, सबसे ज्यादा फिश एक्सपोर्ट के लिए। तो दुनिया का हाइएस्ट फिश एक्सपोर्ट स्पॉट कौन सा है? न्यूफाउंडलैंड। और इसका निर्माण किसकी वजह से हुआ? लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम की वजह से हुआ, ठीक है। ओके, नाउ
ये समझ गए। फिर हम लोग एक मुर्मांस्क मर्मांस्क पोर्ट देखे थे यहाँ कहीं पर, यहाँ कहीं पर मर्मांस्क पोर्ट देखे थे, मर्मांस्क पोर्ट, ये रशिया में आता है ना, आपको मैं बता दूं, ये आपको यूरोप लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताया था ना, यूरोप का कुछ पार्ट रशिया का पार्ट है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, यूरेशिया। तो ये जो पार्ट है ये रशिया में आता है मर्मांस्क पोर्ट। ये पोल की तरफ है तो हमेशा ठंड में इसको बंद रहना चाहिए, लेकिन वो नॉर्वेन ये ड्रिफ्ट है, इसकी वजह से ठंड में भी ये बर्फ यहाँ के नहीं जमती, इसका एक्सपोर्ट यूएस और इधर की ओर चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद और कहाँ आए थे हम लोग, यहाँ से ठंडी जलधारा शुरू होगी, एक तो लैब्राडोर देख लिए। अच्छा एक और चीज, ये ट्रैवल करती है, ये ट्रैवल करती है इस तरह से, इस तरह से ट्रैवल करती है, तो यहाँ पर ये मुड़ जाती है, यहाँ पर मुड़ जाती है, यहाँ पर कौन सा आइलैंड है, कैनरी, कैनरी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है कैनरी, तो जिस पर कैनरी आइलैंड पर किसका अधिकार है, किसका कंट्रोल है, स्पेन का, तो कैनरी ग्रुप ऑफ आइलैंड से ये मुड़ जाती है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, कैनरी, कैनरी, कैनरी। और ये कौन सी करंट है, कोल्ड करंट, कैनरी कौन सी करंट है, कोल्ड करंट है, यहाँ से मुड़ जाती है यूरोप के वेस्ट से और अफ्रीका के वेस्ट से बह रही है, इसका क्या नाम है, कैनरी कोल्ड करंट। कैनरी कोल्ड करंट की वजह से ही अब आपको ये भी पता है कि भैया ये गर्म जलधारा, ये गर्म होती है तो ये जब इधर अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे टकरा रही है तो फिर इसकी वजह से क्या हो रहा है, टकरा रही है, इवापोरेशन गर्म है, इवापोरेशन ज़्यादा होता है तो बादल बनेंगे, पानी बहुत गिरेगा वहाँ पर, तो इसीलिए ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट, इधर ब्राज़ील के अमेजॉन का रेन फॉरेस्ट, ब्राज़ील में है अमेजॉन का रेन फॉरेस्ट, तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि भैया ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट किसकी वजह से बना है, अब जब वजह जानते हो किसकी वजह से बना है, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट की वजह से बना है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक, एंटिलीज मत बोलना, अभी एंटिलीज नहीं है ये, ये तो आगे चल कर होता है, ये किसकी वजह से बना है, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। ठीक, अच्छा फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि भैया यहाँ पर आप देखते हो और सहारा अफ्रीका, हम लोगों ने ये भी देखा है कि विश्व के अधिकांश डेजर्ट वो कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में बनते हैं, बड़े बड़े जो डेजर्ट बने हैं वो किधर बने हैं, महाद्वीप की किस दिशा में बनते हैं, वेस्ट। इसके बहुत सारे कारण हैं, इससे पहले डेजर्ट जब आप पढ़ रहे थे तो वेस्ट साइड बनने का कारण क्या था, विंड था, कौन सा विंड था, ट्रेड विंड्स है, ट्रेड विंड्स आती हैं इधर से इधर टकरा जाती, पानी इधर बरसा जाती, इधर का पानी नहीं मिलता, एक ये भी कारण है, एक ये भी कारण है ना। और ये कैनरी, ये जो कोल्ड करंट है ये भी एक कारण है, क्यों कारण है, क्योंकि जो कोल्ड करंट होता है वो ठंडा होता है तो उसका वेव इवापोरेशन नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा तो बादल नहीं बनेगा, बादल नहीं बनेगा तो पानी नहीं गिरेगा, तो इधर हमेशा सूखा रह जाता है, तो वो क्या हो गया, मरुस्थल। तो ये कैनरी जो है उसका एक कारण है, कैनरी जो कोल्ड करंट है जो अफ्रीका के वेस्ट साइड में जो सहारा डेजर्ट बने हैं ये उसका एक कारण है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एक कोल्ड करंट पैदा होती है, पोल से पैदा होगी, इधर पैदा होगी, इधर से करंट चलेगी, एक करंट इधर चली जाती है शिफ्ट होकर, थोड़ा सा एंगल मिलता है, इधर चली जाती है, और एक करंट इस दिशा में ऐसे बहते हुए अफ्रीका के इधर नीचे साइड से टकरा के इधर की ओर मुड़ जाती है, ये भी एक कोल्ड करंट है, हरा बन रहा मतलब कोल्ड करंट है। ये यहाँ पर इसका एक नाम क्या होगा आपको बताओ, अंटार्कटिका कोल्ड करंट, अंटार्कटिका ओशियन कोल्ड करंट, कहाँ से पैदा हो रही है, अंटार्कटिका से, तो अंटार्कटिका ओशियन कोल्ड करंट, इसको बोलते हैं अपन कौन सा करंट, यह फॉकलैंड करंट, ये कौन सा करंट है, फॉकलैंड, फॉकलैंड, और ये कौन सा करंट है, बेंगुएला करंट, ये कौन सा करंट है, बेंगुएला करंट, बेंगुएला करंट। ठीक, फॉकलैंड, अब फॉकलैंड देखो इसके यहां इधर इधर से ऐसे कुछ इस तरह से आई, इस तरह से आई, अरे ये अपने आप लाल कैसे हो गया, कुछ इस तरह से आई, और आप लोगों ने देखा यहाँ पर कोल्ड करंट जा रहा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पेंटागोनिया डेजर्ट बना हुआ है,
देखो करंट और ड्रिफ्ट एक ही चीज़ है, वो बस मैं आपको बता दिया, वो ड्रिफ्ट और करंट पे आपको इतना नहीं आएगा। बस कभी पूछ दिया कि ड्रिफ्ट क्या है, तो ड्रिफ्ट क्या है, वो करंट जब दो भागों में बढ़ जाती है वो ड्रिफ्ट है, इतना बोले आपको पूछेगा ही नहीं। ठीक, फॉकलैंड हो गया और ये क्या हो गया, बेंगुएला हो गया। पेंटागोनिया डेजर्ट का एक कारण इसको ले सकते हैं अपन, पेंटागोनिया डेजर्ट कहाँ बना हुआ है, कहाँ, कौन सी कंट्री में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, और कहाँ है, अबे सालों याद ही नहीं है तुम लोगों को, ये तो अटाकामा डेजर्ट इधर था, अर्जेंटीना में। और दिवाली में सालों कुछ नहीं पढ़े हो, आए? कैसे रे साक्षी, पढ़ी दिवाली में, इंटरनल था। ठीक, फॉकलैंड और ये बेंगुएला। अब इधर देखो, ये बेंगुएला करंट इधर से निकल रही है, ये कौन सा डेजर्ट है, नामीब डेजर्ट, याद आ रहा है, नामीब डेजर्ट, नामीब मरुस्थल, बहुत बड़ा योगदान इसका है, क्योंकि ये इसके तट से गुजर रही है और ये जहाँ से गुजरेगी वहाँ बादल नहीं बनेगा, पानी नहीं गिरेगा। और यहाँ पर एक अफ्रीका में एक करंट, एक कौन सा डेजर्ट है, कालाहारी, कालाहारी डेजर्ट है। तो बेंगुएला करंट की वजह से ये जो कौन है रे, ये नमीब डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट का निर्माण हो गया, ये क्लियर है। ठीक, याद आया पेंटागोनिया। चलो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें आपको इससे इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देता हूँ। न्यूफाउंडलैंड, यहीं पर हैलिफैक्स पोर्ट है, ये जो न्यूफाउंडलैंड है ना, तो एक जानकारी एक जीके आपका, यहाँ कौन सा पोर्ट है न्यूफाउंडलैंड में, हैलिफैक्स, हैलिफैक्स, भाई यहाँ इतनी मछली होती है तो मछलियों के एक्सपोर्ट करने के लिए कोई पोर्ट होगा, तो वो पोर्ट का नाम क्या है, हैलिफैक्स, हैलिफैक्स पोर्ट। ठीक, न्यूफाउंडलैंड हैलिफैक्स पोर्ट। ठीक, अच्छा अब देखो, यूएसए और मेक्सिको, ये मेक्सिको है, ये यूएसए है। साइक्लोन पढ़ाया था तो आपको बताया था, साइक्लोन को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। अमेरिका में यहां पर जो साइक्लोन बनता है उसको क्या बोलते हैं, हरिकेन, साइक्लोन। यहां पर जो साइक्लोन बनता है, जो चक्रवात बनता है, उस चक्रवात का नाम क्या है, हरिकेन, हरिकेन है ना। तो ये क्या करता है, ये जो नॉर्थ अटलांटिक ये है ना, ये करंट जो है ये यहाँ पर हरिकेन को और इंटेंसिफाई कर देता है, इसकी तीव्रता को बढ़ा देता है। आपको पता है ना हरिकेन के लिए कंडीशन क्या है, चक्रवात समुद्र में पैदा होंगे और समुद्र में चक्रवात के पैदा होने के लिए एटलीस्ट समुद्र के पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जीके ये आपके काम आ सकता है ना। चक्रवात कहाँ पैदा होते हैं, महासागर में पैदा होते हैं, ओशन में पैदा होते हैं, और एक साइक्लोन को डेवलप होने के लिए वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये देखो 27, ये गर्म है। अब गर्म का मतलब ऐसा नहीं है रे कि एकदम उबलता खौलता पानी बहता ही है ना। तो ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है, यहाँ पर हरिकेन पैदा होता है और उस हरिकेन को और तेज कर देता है ये करंट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये सब आपसे नहीं पूछेगा, मक्का उत्पादन और ये सब कुछ नहीं पूछेगा। अब आते हैं यहाँ पर पैसिफिक ओशन के करंट पर। ये पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, इसका मतलब ये है कि मैं आधा इधर बनाऊंगा आधा उधर बनाऊंगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा, इसके लिए दूसरा मैप काम आएगा। पैसिफिक ओशन मैप, इसमें ज्यादा समझ में आएगा ये, नहीं तो आप बोलोगे किधर है वो।
अब मैं क्या किया आप समझ रहे हो, वो मैप जो था 2D उसको लाकर ऐसे चिपका दिया। तो आपका ये जो बीच का एरिया है, देखो ऑस्ट्रेलिया के इधर पैसिफिक ओशन था और ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के इधर पैसिफिक ओशन था। दिख गया, समझ में आ गया प्रशांत महासागर। चलो अब पैसिफिक ओशन में जो करंट पैदा होंगे हम वो देखेंगे। इक्वेटर आपको पता है कहां से कहां निकलेगा, ये ऐसा निकलेगा, ये इक्वेटर है, ठीक। पैसिफिक ओशन में भी उसी प्रकार से करंट पैदा होगा और क्या दिशा क्या होगी उसकी, इससे वेस्ट। ये ऐसा यहां पर पैदा होगा, करंट पैदा होगा, वार्म करंट है ये, ठीक। और इसका नाम क्या होगा, इक्वेटोरियल करंट तो है ही है ये, तो पहले तो इक्वेटोरियल करंट लिख देते हैं। अब क्या लिखेंगे, पैसिफिक ओशन इक्वेटोरियल करंट। आप नॉर्थ बोलना चाहो तो इधर वाला नॉर्थ बोलो, इधर वाला ये भी है पैसिफिक ओशन इक्वेटोरियल करंट, ठीक। नॉर्थ पैसिफिक ओशन इक्वेटोरियल करंट ये जाएगा, ये दिख रहा है आपको, यहां से ऐसा मुड़ेगा, टकराएगा कॉन्टिनेंट से, एशिया कॉन्टिनेंट से टकराएगा। ये जापान है, ये क्या दिख रहा है आपको, जापान, ये जापान है ना, ये जापान है और इस तरह से जाएगा, ठीक। इस समय इस करंट का नाम है क्यूरोसियो। ये समय यहां पर क्या नाम हो गया इसका, क्यूरोशिवो, क्यूरोशियो शिवो करंट। इसका नाम क्या है, क्यूरोशिवो करंट, ठीक, क्यूरोशिवो करंट। ये कैसा करंट है, वार्म करंट है, ठीक। क्यूरोशिवो करंट जो है ये जा रहा है ऊपर और यहीं से एक नॉर्थ से पैदा होगा, ठंडा जलधारा पैदा होगा भाई, इस पानी को भरने के लिए आएगा ना, इधर से कुछ आ रहा है, इधर से निकला, ठीक, इस तरह से निकलेगा, थोड़ा सा इधर डाइवर्ट होगा, ऐसे घूमते घूमते एकदम सीधा सीधा नहीं जाता ना, ये ऐसे ऐसे जा रहा है। और ये जो ठंडी जलधारा जो पैदा हुई इसका नाम है, साला ऐसा ऐसा नाम है, ओयाशिवो, ओया ओया शिवो। ये दिख रहा है आपको एशिया, ये रूस का पार्ट है ना और ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट। ये आपको ऐसा लाइन क्यों दिख रहा है पता है, ये लाइन दिख रहा है यहां पर, दिखता होगा आपका मैप में, इसको अलास्का बोलते हैं, अलास्का रीजन, क्या बोलते हैं, अलास्का। तो ये जो बीच में ये जो सागर है ना, ये इसको क्या बोलते हैं जानते हो, बेरिंग सी, बेरिंग सी, बेरिंग सागर, समुद्र है ना, ये महासागर है और ये केवल सागर है, समुद्र है, बेरिंग सी। तो कभी ऐसे लटके झटके, हालांकि हम पढ़ेंगे सी और लेक एक चैप्टर एक टॉपिक में पढ़ेंगे, पूरे वर्ल्ड के सी और लेक है ना, बेरिंग सी, बेरिंग सी किसको किसको जोड़ता है, एशियन कॉन्टिनेंट, और जोड़ता नहीं है मतलब अलग करता है, एशियन एशियन कॉन्टिनेंट और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को, समझ गए ना। ये आया, इसका नाम क्या है, ओवा ओया शिवो करंट, ये कोल्ड करंट है, ये कोल्ड करंट है। अब इधर से लाल ये वार्म करंट जा रहा है और इधर से कोल्ड करंट जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये भी मुलाकात करेंगे, कहीं मुलाकात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये करंट जो है, कुछ करंट इसका ऐसा डाइवर्ट होके इस दिशा में आता है, फिर ऐसे जाता है ना, ये इसको ऐसे कर लो, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है, ये यहां से करंट आया, ये ऐसा करके, और यहां पर मीटिंग पॉइंट होगा इनका, ये मीटिंग पॉइंट होगा, और ये जो मीटिंग पॉइंट है इसको बोलते हैं कुरील आइलैंड्स। ये किसके पास होता है, कुरील आइलैंड्स, कुरील आइलैंड्स, कुरील आइलैंड्स, कुरील आइलैंड्स, जापान। ये आइलैंड किसके कंट्रोल में रहेगा, जापान है ना, कुरील आइलैंड्स किसके, जापान, फिर वही लबलबा के मछली है ना। इसीलिए आप देखोगे जापान का जो, जापान का जो फूड कल्चर है ना, वो मेनली बेस्ड अपॉन सी फूड है, खूब खाते हैं, समुद्र से जो मिल जाए सब खा लेंगे, ठीक। तुम लोग केकड़ा खाए हो, कोई मछली तो खाने वाले हो ना, बहुत सारे
मछली खाए हो, केकड़ा नहीं खाए हो? केकड़ा खाओगे? चलो, ये कौन सा है? कुरिल आइलैंड, और ये भी वन ऑफ द मेजर फिश स्पॉट्स इन द वर्ल्ड. कौन सा है? कुरिल आइलैंड. किसके किसकी वजह से बना ये? ओयाशिवो कोल्ड करंट और किरोशिवो वार्म करंट. और ये कुरिल आइलैंड पर कंट्रोल किसका है? जापान का. ये कुछ इधर ही बनेगा, मैं इधर बना दिया. ये कुरिल आइलैंड करीब, इस पर कंट्रोल किसका है? जापान का. लोकेट नहीं कर पा रहा था, बना दिया. ठीक है, अच्छा. उसके बाद ये जो है, ये जो हमारा गर्म जल धारा जा रहा है ना, ये दो भागों में बट जाता है. एक तो इधर चला गया और यहां से ऐसा बट जाता है और इधर चला जाता है. ये ड्रिफ्ट बदल गया, दो ड्रिफ्ट बन गया. किरोशियो जो है दो उसमें बट गया. ये जो ऊपर वाला है इसका हो गया नॉर्थ पैसिफिक करंट. ऊपर वाले इसका नाम क्या हो गया? नॉर्थ पैसिफिक करंट या ड्रिफ्ट, है ना. और जो नीचे वाला है, ऊपर वाला अलास्का है, सॉरी रे, ऊपर वाला अलास्का है. इस करंट का नाम क्या है? अलास्का करंट, क्योंकि ये अलास्का है ना, अलास्का करंट. और इसका नाम क्या है? नॉर्थ पैसिफिक करंट. ठीक है, दो ड्रिफ्ट. अलास्का करंट कैसा करंट है? गर्म है. नॉर्थ पैसिफिक करंट कैसा करंट है? गर्म है. ठीक है, अब ये यहां पर आया तो ये आपको पता है, ये कैलिफोर्निया है, इधर अमेरिका का कैलिफोर्निया है. तो ये जो ठंडी जलधारा है इसका नाम, ये ऐसे 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 मुड़ता है ना, यहां इसका नाम क्या है? कैलिफोर्नियन करंट. कैलिफोर्नियन करंट, कैलिफोर्नियन करंट. ठंडा है, ठंडा है, है ना, ठंडा है. और जब आप डेजर्ट पढ़ रहे थे तो आपको नॉर्थ अमेरिका के इधर डेजर्ट दिखाई दिया था, डेजर्ट था. मरुस्थल पढ़े थे ना, इधर मरुस्थल, कुछ मरुस्थल पढ़े थे आप लोग इधर. उस मरुस्थल के निर्माण का कारण क्या है? यही है, कैलिफोर्नियन करंट की वजह से नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड में डेजर्ट का निर्माण हुआ. ठीक है, उसके बाद अपन नीचे देख लेते हैं. ये जो नीचे चल रही है करंट, अब ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी, ये ऑस्ट्रेलिया है, टकराएगी और इधर मुड़ जाएगी, इधर मुड़ जाएगी. इसका नाम क्या पड़ जाएगा? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट. इसका नाम क्या पड़ जाएगा? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, क्योंकि ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कौन सा भाग है? ये ईस्टर्न पार्ट है, ये पश्चिमी भाग, ये ईस्टर्न पार्ट. इसका नाम क्या पड़ गया? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट. ठीक, अच्छा, अब ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट इधर आ रहा है. और ऑस्ट्रेलिया में भी आपको पता है कि यहां पर भी एक चक्रवात साइक्लोन बनता है. और ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात बनता है वहां उसको क्या बोला जाता है? विली विली. हाँ, विली विली. यहां पर वो विली विली जो चक्रवात बनते हैं ना, ईस्टर्न कोस्ट, ऑस्ट्रेलियन के ईस्टर्न कोस्ट पर जो चक्रवात, जो साइक्लोन बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा जाहिर सी बात है, क्योंकि इक्वेटर के पास बन रहा है. तो जो साइक्लोन बनते हैं, तो अपन ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट में जो विली 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 जो साइक्लोन बनता है, इसको इंटेंसिफाई कर देता है, मतलब और तेज कर देता है, इसकी तीव्रता को और बढ़ा देता है. तो कौन सा करंट बढ़ाता है? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट. ठीक है, अच्छा. अब भैया यहां से पानी निकला तो इधर से भी कोई करंट आएगा भरपाई करने के लिए. इधर से तो कैलिफोर्निया वो आ गया, आपका ओयाशिवो आ गया, जो कैलिफ नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे, इसका नाम क्या हो गया? कैलिफोर्नियन करंट. ठीक है, यहां से भी पैदा होगा ठंडा जलधारा. और ये आपको साउथ अमेरिका के इधर से पैदा होगा और इस तरह से आएगा और ये साउथ अमेरिका के इधर चलेगा, है ना, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर चलेगा. ये ठंडी जलधारा है, पता है आपको, अंटार्कटिका से आई है. इसका नाम है हम्बोल्ट करंट. इसका नाम है हम्बोल्ट करंट. हम्बोल्ट करंट, हम्बोल्ट करंट, हम्बोल्ट करंट. इसको पेरुवियन करंट भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है पेरू, इधर पेरू है, पेरू है ना, यहां है ऊपर पेरू, ये चिली है लंबा सा मिर्ची जैसा, ये अर्जेंटीना है. तो इसको और क्या है, इसको क्या बोलते हैं? पेरुवियन करंट, पेरू की जलधारा.
पेरू की जलधारा, पेरुवियन करंट। चूंकि हम्बोल्ट ने इसको खोजा था कि ये ठंडी जलधारा यहां चलती है, तो उसके नाम पर इसको हम्बोल्ट करंट भी कहा जाता है, हम्बोल्ट जलधारा भी कहा जाता है। क्लियर है ये? तो हम्बोल्ट या पेरुवियन करंट एक ही है, ठीक है। पेरू के किनारे से ये जलधारा निकलती है, इसलिए इसको पेरुवियन करंट, पेरू की जलधारा कहते हैं। लेकिन चूंकि हम्बोल्ट ने इसको खोजा था, तो हम्बोल्ट के नाम पर इस जलधारा का नाम पड़ गया है, हम्बोल्ट करंट, ठंडी जलधारा है। फिर इधर देखो, साउथ अमेरिका के इधर आप लोग क्या क्या देखे थे? नीचे साउथ अमेरिका देखे थे, डेजर्ट। अरे नॉर्थ अमेरिका में मैं साला वो बोल गया था क्या, अटाकामा नहीं बोला था ना, मुझे ऐसे लगा बोल गया। अटाकामा डेजर्ट किधर है? साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में अटाकामा डेजर्ट ये दिख गया आपको, फिर आपको पेंटागोनिया डेजर्ट ये सब दिख गया आपको। तो ये भैया कारण है, एक तो इधर से फॉकलैंड जो निकला, इसका भी पेंटागोनिया डेजर्ट पर कुछ कारण है, और सबसे बड़ा कारण किसका बनता है? इसका, पेरुवियन और हम्बोल्ट ठंडी जलधारा की वजह से साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में डेजर्ट का निर्माण हुआ। और वो डेजर्ट का नाम जानते हो आप? एक तो आप अटाकामा जानते हो और एक आप पेंटागोनिया जानते हो, ठीक है। चलो ये हो गया आपका, और यहाँ ज़्यादा आपके जानकारी की चीज़ नहीं है। अब आइए इंडियन ओशियन, वो दिख रहा है इंडियन ओशियन, यहाँ भी कुछ करंट पैदा होगा। चलो यहाँ भी करंट पैदा होगा इक्वेटर के पास, इस दिशा में ऐसा पैदा होगा, और इसको अपन क्या बोलेंगे? इंडियन ओशियन करंट। इसको क्या बोलेंगे? इंडियन ओशियन करंट। अच्छा, अब ये बहुत सफिशिएंट मास इधर नहीं है ना नॉर्थ साइड में, तो इसका कोई नॉर्थ साउथ नहीं करते, इसका नॉर्थ साउथ ऐसा नाम नहीं दिया जाता, केवल इंडियन ओशियन करंट। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशियन, जानते हो इंडियन ओशियन, ये जो अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट है और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच में ये जो महासागर है, इसको क्या कहा जाता है? इंडियन ओशियन, ठीक है, हिंद महासागर। तो ये जो है आपका इस तरह से चलेगा, और इस तरह से ना घूम के देखो, ये यहाँ यहाँ टकराएगा, यहाँ यहाँ टकराएगा, इधर इधर टकराएगा। तो इसको कोई विशेष नाम हम नहीं दिया गया, क्यों? क्योंकि ये करंट जो है, इसको बहाव का जगह नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि पूरे लैंड मास से देखो, इधर ये क्या है? मिडिल ईस्ट है। इसको क्या बोलते हैं? अरब पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीपी, अरब प्रायद्वीप क्षेत्र बोलते हैं इसको, अरब है ये। ये आपका अफ्रीका, ये आपका एशिया का इंडिया आ गया, इसको जगह मिला नहीं, तो ये बेचारा घूम घाम के वहीं खत्म हो जाता है, ठीक। लेकिन ये वाला नीचे से इसको जाने का स्कोप है, नीचे स्कोप है ना, इधर महासागर है, ओशन मिल रहा है। तो ये जो आगे चलता है इंडियन ओशियन करंट, इक्वेटोरियल करंट है ना, ये आगे बढ़ता है तो दो भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, एक इधर से निकलता है और एक इधर से निकलता है, और ये आकर एक जगह मिलते भी हैं, मुलाकात होगा इनका, ठीक है। ये मेडागास्कर है, लोग कार्टून एनिमेशन मूवी भी देखे ना, मेडागास्कर है ना, ये आइलैंड कंट्री है, अफ्रीका में ही पड़ता है, आइलैंड कंट्री है, बड़ा एकदम वेजिटेशन और ये वो उससे भरपूर है, बहुत यहाँ जीव जाव मिलते हैं, छोटे छोटे आप लोग एनिमेशन देखे होंगे, ये उसके लिए प्रसिद्ध है। इधर से जो मेडागास्कर, ये इधर मोजाम्बिक है, इधर अफ्रीका के कंट्री मोजाम्बिक है, और ये कौन सा है? मेडागास्कर। तो ये जो करंट है, इसका नाम है मोजाम्बिक करंट। इस करंट का नाम क्या है? मोजाम्बिक करंट। इसका नाम है इस साइड, ये देखो ये दिख रहा है मोजाम्बिक, तो इसका करंट का नाम हो गया मोजाम्बिक करंट। ये जेड है ना, जेड, मोजाम्बिक करंट। और ये वाला क्या, इसका नाम क्या है? मेडागास्कर, मेडागास्कर करंट, मेडागास्कर करंट। ए पगली, ये बनाती है इसको घर में, बनाती है ये वाला, ये इस साइड वाला, ये मोजाम्बिक है। हाँ, अभी मिलने से पहले, अभी मुलाकात नहीं हुई है। ये इंडियन ओशन करंट यहां से दो भागों में बढ़ जाता है, एक मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच से निकलता है, और एक मेडागास्कर के ईस्ट से निकलता है। तो जो मेडागास्कर के पूर्वी भाग से निकल रहा है, इसका नाम मेडागास्कर करंट है, और ये जो मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच से निकल रहा है, इसको मोजाम्बिक करंट बोलते हैं, ठीक। मोजाम्बिक करंट हो गया।
ये दोनों एक जगह आकर मिलेंगी और जब मुलाकात करेंगी और इसके बाद ये एक करंट बन के आगे बढ़ता है, तो इस ये करंट का नाम होता है अगुलहास, अगुलहास करंट। तो अगुलहास करंट का निर्माण किसके किसके मिलने से हुआ? मोजाम्बिक और मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ठीक है, अब भैया इंडियन ओशन का भी यहां से पानी चला कम हुआ, तो कोई ठंडी जलधारा आएगी पानी भरने के लिए। तो एक ठंडी जलधारा चली यहां से, इधर से चली पानी भरने के लिए, तो ये ऐसा 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 करके इधर चली, है ना। और इसका नाम क्या है आपका? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में टकरा के मुड़ रही है, तो इसका नाम क्या हो गया? वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट से टकरा रही कोल्ड करंट, मतलब ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में डेजर्ट होना चाहिए, है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, अगर याद होगा तो, है याद है रे कुछ? ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, है नहीं याद है सबको? सारा चेहरा देखने से लग ही नहीं रहा याद है किसी को इधर। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में यहां बड़े बड़े डेजर्ट बने हुए हैं, उसकी वजह क्या है? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, कोल्ड करंट है, पानी बादल बनेगा नहीं, पानी गिरेगा नहीं, तो इधर पूरा सूखा रह जाएगा, कोई वेजिटेशन नहीं होगा, भैया नाम मात्र का वेजिटेशन होगा और बड़े बड़े डेजर्ट बन गए इधर। ठीक है, आज ये हंस रही मुस्कुरा रही किसी बात पे, अब वो कौन सी बात याद आ रही तेरे को? सिम्पसन डेजर्ट है ना यहाँ, है? अरे गिब्सन भी है, सिम्पसन भी है, है? अच्छा इसलिए हंसी आ रहा है। ठीक है, विक्टोरिया डेजर्ट भी तो है इधर, विक्टोरिया डेजर्ट। अच्छा ये हो गया, अब उसके बाद ये हो गया आपका करंट लगभग, अच्छा रुको, कैरेबियन सी ये हो गया आपका करंट हो गए, फॉकलैंड इंग्लैंड ये सब करंट हो गए। ठीक, अच्छा अब कुछ चीजें देख लो, आप कुछ और चीजें देख लो। सी, अब अपन क्या देखने वाले हैं? कुछ सी देखने वाले हैं, सी ना, इस साइड में जो सी हो, इधर नहीं बताता, सी सागर, सागर समुंदर साला, इधर देखो ये, अबे आठ कहाँ बजा, अभी बज गया है साला, मेरे को पहला क्लास करना पड़ेगा लग रहा है, है? केमिस्ट्री जो साइंस वाले होंगे ठीक ठाक लगता होगा, लेकिन जो साइंस वाले होंगे वो भी सोचेंगे तो पता है ना, है ना, और जो साइंस वाले नहीं है काका गुठिया, है ना, ऐसा होता है साइंस में, वो भी खासकर केमिस्ट्री। मुझे केमिस्ट्री साला कभी अच्छा नहीं लगा, एकदम दुनिया भर का इक्वेशन बैलेंस करो, ये करो वो करो, मैं पता है मेरा कभी मन ही नहीं किया। और मैं देखता हूँ कुछ लोगों को वो बड़ा पसंद है साला इक्वेशन बैलेंस करना ये सब, तेरे पसंद होगा बायो वाली ने, है तेरे पसंद नहीं है? कोई है केमिस्ट्री पसंद करने वाला? प्रैक्टिकल करने में क्या मजा आता था? मैं प्रैक्टिकल उसमें जाता था, मैं कुछ ध्यान ही नहीं देता था क्या मिलाना है क्या मिलाना है, बस भाई इधर उधर घूमता रहता था, इसमें कुछ आ, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, बस यही देखता रहता था और आ जाता, बस एक बार साला HCl, है ना, HCl मेरे हाथ में लग गया, साला मैं मस्ती कर रहा था लग गया, लेकिन HCl वो ज़्यादा जलाया नहीं, हल्का सा असर हुआ, तो बाद में पता चला कि वो कंसंट्रेटेड HCl रखते ही नहीं इस तरह से, उसको डायल्यूट करके रखते हैं ताकि उसका असर कम रहे,
तो HCl पूरा गिरा दिया था मैं अपने हाथ में पूरा, तो नहीं पता वो डाइल्यूट वाला होगा, कंसंट्रेट अगर रहता तो मेरा काम हो जाता है। अरे वो तो एकदम एसिड की तरह जला देता है ना, है क्या होता रे, करिया तो है और थोड़ा सा करिया हो जाता है और क्या हो जाता। चलो तुम्हारा तुम लोग मन नहीं है, कल अपन पढ़ेंगे सी, पूरे सागर पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन बनता है कि भैया कौन से देश की सीमा कौन से सागर से लगती है, सी उसकी खासियतें जैसे कैस्पियन सी, डेड सी, और वो हॉट टॉपिक है अभी डेड सी, जॉर्डन और इसराइल के बीच में है बॉर्डर में है ना, तो डेड सी, कैस्पियन सी, ये बेरिंग सी, ये सब की खासियत कुछ देखेंगे और लेक देखेंगे, लेक झीलें, ठीक। आपका इससे पीछा छूटने वाला है, दो तीन क्लास बस फिर आप इंडियन ज्योग्राफी में पहुंच जाओगे, वहां आपको अपनापन लगेगा।